समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से गुरुवार को चाचा शिवपाल यादव मिलने पहुंचे। दोनों ने करीब 45 मिनट साथ वक्त गुजारा। अचानक हुई इस मुलाकात से सभी की नजरें टिक गई। मुलाकात खत्म हुई तो अखिलेश ने चाचा के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया। शिवपाल के घर से निकलने के बाद अखिलेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई, गठबंधन की बात अब तय हुई है। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति सपा को निरंतर मजबूत कर रही है और सपा और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जाने की कोशिश है। बता दें कि 2017 चुनाव से पहले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवपाल के बीच मनमुटाव हो गया था, जिसके बाद दोनों में दूरियां बढ़ती चली गई। करीब 6 साल बाद फिर से शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच अब मुलाकात उनके घर पर हुई है। बता दें कि शिवपाल यादव पश्चिम, अवध और बुंदेलखंड के करीब 10 जिलों की 60 से 70 सीटों पर असर रखते हैं। इसके पीछे वजह यह है कि उनका अभी भी सहकारी समितियों पर कब्जा है, साथ ही वे अपने कोर वोट बैंक यादव को भी सहेज कर चल रहे हैं। उनकी पकड़ यूपी के 9% यादव वोट बैंक पर है। वहीं चुनावी आंकड़ों के नजरिए देखें तो शिवपाल यादव मैदान में कहीं भी नहीं टिकते हैं। सपा से अलग होकर 2019 में लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर उतरे शिवपाल यादव ने यूपी की 47 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। खुद फिरोजाबाद से भी चुनाव लड़े। बता दें कि इस लड़ाई में रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव हार गए और भाजपा का कैंडिडेट जीत गया। लोकसभा चुनाव में शिवपाल यादव की पार्टी को सिर्फ 0.3% वोट मिले। हालांकि ज्यादातर जगहों पर शिवपाल यादव ने सपा को नुकसान भी पहुंचाया। साल 2017 में जसवंत नगर विधानसभा सीट से जीते शिवपाल यादव को 63% से ज्यादा वोट मिले थे। वहीं समाजवादी पार्टी 2017 में 311 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, तब उसे मात्र 22% वोट मिला था। बता दें कि गुरुवार सुबह 11 बजे शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी की बैठक बुलाई थी। पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद शिवपाल यादव ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पास अपना संदेशा पहुंचवाया। इसके बाद वे मुलाकात करने उनके घर पहुंचे। माना जा रहा है कि शिवपाल यादव ने निर्णय लिया है कि वे अखिलेश यादव के साथ जाएंगे, बस इसका आधिकारिक ऐलान होना बाकी था, जो इस मुलाकात के बाद हो गया है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद शिवपाल यादव के घर पहुंचे। माना यह भी जा रहा है कि वे दोनों पार्टियों के बीच हुए गठबंधन और सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देंगे। अब देखने वाली बात होगी कि चाचा और भतीजे की ये जोड़ी उत्तर प्रदेश में भाजपा को कितना नुकसान पहुंचा पाती है।